जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताएंगे शीघ्र पतन के रोगी में नकारात्मक और सकारात्मक संज्ञात्मक भाव। शीघ्र पतन के रोगी को ये पता नहीं कि उसकी एक लाइफस्टाइल बदल चुकी है। जो सिर्फ वैवाहिक जीवन में शीघ्र पतन ही नहीं होता, बल्कि उसके हर जीवन में, हर पहलू जो दैनिक कार्य होता है उसके अंदर नकारात्मक नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ चुके होते हैं। इसलिए कम ठहराव हर जगह करता है, हर जगह भागने का प्रयास होता है और हर जगह यही रहता है कि जैसे कोई पेन हो, पेन किलर लेते ही आराम पड़ जाए, या जैसे कहीं एक इंजेक्शन लगा दिया जाए पेन किलर का, तुरंत रिलीफ हो जाए, एक बटन दबाते जैसे लाइट लग जाए, सारे काम उसके उसी रूप में होने चाहिए। जबकि वो सारे नकारात्मक थॉट है, सारे नकारात्मक पहलू है, उसका सोचना, अनुभव करना और व्यवहार करना, तीनों ये नकारात्मक दिशा में जाती है। जिसमें कुछ लोग होते हैं वो इस पहलू को समझ सकते हैं, फिर भी उन लोगों में भी मैं कौन हूँ ये समझने में समय लगता है। अनुसंधान यही कहता है कि सकारात्मक या नकारात्मक जो प्रभाव आते हैं उसमें प्रेरणाएं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिनकी मनोवृत्ति मजबूत है वो व्यक्ति तो एक नियंत्रण में रहते हैं, जो खोया हुआ स्वास्थ्य जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। पर वो व्यक्ति जो ज़्यादा नकारात्मक अवस्था में, ज़्यादा नेगेटिव अवस्था में जी रहे हैं, उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे उन्हें 1.5-2 महीना या 3 महीने की जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल होती है जिसमें 10-15 साल पुरानी होती है, और वो ये चाहे कि मुझे 1 हफ्ते में या 2 दिन में मुझे तैयार कर दिया जाए, संभव नहीं है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट ले लिया है, बहुत पैसा खर्च कर लिया, उसके बाद ठीक नहीं हो रहे। कारण वही लाइफस्टाइल, और इस लाइफस्टाइल को वापस बदलने में, वापस नई ज़िंदगी के पुनर्वास करने में समय तो लगता है। और जब इंसान लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, अच्छी मोटिवेटेड सोच हो जाती है, और जब अच्छी सोच होगी तो वो अनुभव भी अच्छा करेगा, और जब अच्छा अनुभव करेगा तो व्यवहार भी अच्छा करेगा। काफ़ी लोगों को हमने देखा है नकारात्मक, 10-15 दिन दवा ली, आराम न पड़ा, गाली गलौज भी आ जाते हैं। उन लोगों के संपर्क में आते हैं क्योंकि सारे लोग उनके मिलने वाले इसी प्रकार के होते हैं। ये मान लो किसी के जेब में 10 रुपया है तो वो 10 से ज़्यादा दे नहीं सकता ना, अगले को आवश्यकता है 25 की। एक थॉट जो होती है, एक जो विचार होता है, वो एक दायरा होता है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकता। उसके लिए सीखना पड़ेगा कि मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे धीरज बदलनी है। तो ज़रूर उसके लिए फर्क पड़ेगा। जो प्रभावी भाग है उसके लिए, और जो प्रभावी भाग में व्यवहारिक भाग है उसको बदलने से पहले सोचना, जो संज्ञात्मक है, उस संज्ञा को, उस संज्ञात्मक विचारों को नए तरीके से लेना पड़ेगा, तो ही आपकी खोई हुई जवानी, खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। आप पुनर्वास में अगर रहेंगे तो आप नया कौशल, नया जीवन जी सकते हैं, सीख सकते हैं। सब दवाओं के भरोसे नहीं होगा, क्योंकि आप चिंता, परेशानियां की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा धीमे रहना पड़ेगा। श्रवण क्षमताएं आपकी ख़त्म हो चुकी होती है नकारात्मक लोगों के लिए, स्पेशली बता रहा हूँ।
और जब आप नकारात्मक अवस्था से सकारात्मक में आना चाहेंगे तो उसके लिए आपको श्रवण क्षमताएँ बढ़ानी पड़ेगी, और श्रवण क्षमताएँ बढ़ा लेंगे निश्चित है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अच्छे तरीके से वापस पुनर्वास में आ जाएंगे। खोई हुई जवानी, खोया हुआ स्वास्थ्य आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और शीघ्र पतन की जो आपकी एक मानसिक स्थिति बनी हुई है, आपके दिमाग में जो एक प्रोग्रामिंग बनी हुई है उसको बदलने में आप अच्छी भूमिका निभा सकेंगे। आपको योजना बनाकर काम करना पड़ेगा तो ज़रूर है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक सकारात्मक सोच होती है कि राणा साहब ने जो वीडियो बनाया है मैं उनसे संपर्क करूं और वो कहे वो अनुसार मैं काम करूंगा, निश्चित है जब आप सोच आपकी सकारात्मक होगी आपको सफलता मिलेगी, और आप आवेश में आके तुरंत नकारात्मक कदम ले लेंगे, वही गाली गलौज और आपकी असफलताएँ आपकी अयोग्यताओं का प्रदर्शित करेंगे तो आपके पास क्या है, क्योंकि आप असफल हो। आप देखिए हर जगह आप असफलता ही प्रदर्शित करोगे, इसलिए आपको एक लगन रखनी पड़ेगी सकारात्मक आने के लिए, और सकारात्मक सोच होगी तो आप लोगों को सकारात्मक दे सकोगे, आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक आप दे सकोगे। रही काफ़ी लोग ढूंढते रहते हैं कि दवा बता दो, दवा बताने से मात्र आप ठीक नहीं हो सकते, जब ट्रीटमेंट से लंबा समय लगता है तो दवा बताने से नहीं होगा और वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, धैर्य रखें। आपने देखा होगा कहीं जगह पे, बहुत सारी जगह पे जब डॉक्टर साहब इलाज करते हैं कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं लगता है ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है, काफ़ी जगह पे रेफर जो करते हैं सिस्टम होता है तो वो सिस्टमेटिक काम होता है, ज़रूर सफलता मिलती है। इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, आपका जो ज्ञान है आपका जो अहम है अगर मजबूत है निश्चित है आप सफलता प्राप्त करेंगे, और आप में भागने की प्रवृत्ति है सुनने की प्रवृत्ति नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। इस प्रकार आप वीडियो देखते रहे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय राम जी।